मेरठ में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 10 मुसलमानों की मौत हो गई, जिसमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में शनिवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ जब जाकिर कॉलोनी में 50 साल पुरानी 3 मंजिला इमारत अचानक ढह गई। इस हादसे में अब तक 10 मुसलमानों की मौत हो चुकी है, जिसमें 6 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। घटना के बाद इलाके में भगदड़ मच गई और तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। घटनास्थल पर SDRF और NDRF की टीमें लगातार 16 घंटे से ज्यादा वक्त से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। हालांकि मलबे में किसी और के दबे होने की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। स्निफर डॉग्स की मदद से मलबे में दबे लोगों को खोजने का काम जारी है। घटना में एक ही परिवार के 15 लोग मलबे में दब गए थे। इनमें से 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया है। हादसा मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र के जाकिर कॉलोनी में शाम करीब 5:15 बजे हुआ। शुरुआती जांच में पता चला कि ढही हुई इमारत करीब 50 साल पुरानी थी और सिंगल पिलर पर खड़ी थी। पिलर की कमजोरी के कारण इमारत अचानक गिर गई। इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर डेयरी का संचालन हो रहा था, जिससे कई भैंसे भी मलबे में दब गई। हादसे में 63 वर्षीय नफीसा की मौत हो गई, जो इस घर में अपने 4 बेटों और उनके परिवार के साथ रहती थीं। उनके बेटे साकिब, जिसकी उम्र 20 वर्ष थी, नईम, जिसकी उम्र 22 वर्ष, और नदीम, जिसकी उम्र 26 वर्ष थी, घायल हो गए हैं, जबकि उनकी बहू फरहाना, जिसकी उम्र 20 वर्ष थी, और अलीशा, जिसकी उम्र 18 वर्ष थी, उनकी मौत हो गई। इस हादसे में मासूम बच्चों की भी जान गई है। साकिब की 7 साल की बेटी रिजा और नईम की 5 महीने की बेटी रिमशा की भी मौत हो गई। इसके अलावा नफीसा के बड़े बेटे साजिद, जिसकी उम्र 40 वर्ष थी, उसकी भी मौत हुई है। जिनकी बेटी सानिया, जिसकी उम्र 15 वर्ष, और बेटा साकिब, जिसकी उम्र 11 वर्ष, भी हादसे में मारे गए। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय निवासियों ने भी रेस्क्यू में मदद की। मोहम्मद अनस नाम के एक व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने 10 से 12 लोगों के साथ मिलकर मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने में मदद की। अनस और उनकी टीम घटनास्थल पर लगातार काम कर रहे हैं। जाकिर कॉलोनी की गली नंबर 7 में 3 मंजिला इमारत इतनी जोर से गिरी कि आसपास के मोहल्ले में भगदड़ मच गई। स्थानीय लोगों ने समझा कि शायद कोई गैस सिलेंडर फटा है, लेकिन बाद में इमारत गिरने की जानकारी सामने आई। जांच अधिकारियों ने बताया कि यह इमारत सिंगल पिलर पर खड़ी थी और पिलर के कमजोर होने के कारण यह गिर गई। हालांकि रेस्क्यू टीम के अधिकारी अभी भी मलबे को हटाकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं और लोग तो इस मलबे में दबे नहीं हैं। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर डेयरी का संचालन हो रहा था, जिससे कई भैंसे भी मलबे में दब गईं। ADG DK ठाकुर ने बताया कि नफीसा और उनके परिवार इस डेयरी को चला रहे थे और इस पूरे हादसे में अभी तक 10 मुसलमानों की मौत हो चुकी है और 5 मुसलमान अभी भी घायल हैं।